तो भाई आजकल की दुनिया जहाँ पे पानी की बोतल भी 20 रुपए की आती है, देखते हैं 10 रुपए में क्या मिलने वाला है। दिए 10 रुपए है, पानी मिलेगा? अरे पानी क्या, मैं आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी मैम। 10 रुपए में? 10 रुपए में। मजाक तो नहीं कर रहे यार? मजाक नहीं कर रही मैं, आपको खाना खिलाऊंगी। यार 10 रुपए में कोई किसी को खाना कैसे खिला सकता है? मैं खिला रही हूँ आप देख, और वो भी मैंने देखा है गंदा सा पन्नियों में आता है, ऐसी पैकिंग में खाना दोगे आप मुझे? हाँ जी। 10 रुपए में? 10 रुपए में कड़ी चावल, दाल चावल, जो मर्जी खा सकते। भर पेट कितना हो जाएगा, ये खा लेगा, एक बार और ले लेगा, दो बार ले लेगा। तो मतलब आप कहीं ना कहीं पैसे कमाने के उस लोभ लालच से निकल के समाज सेवा के लिए खड़े हो। कभी कभी मैं ये भी बोल देती हूँ कि 5 रुपए का खिला लें खाना, तो ये बोलती है मैडम इतना मत करो। तो आप चाहते ये हो कि फ्री भी कर दूं मैं? अगर मुझे कहीं से भी जरा सी भी सपोर्ट मिल जाएगी मैं फ्री कर दूंगी खाना। पूरी दुनिया घूम लो मैम, लेकिन ये वाला खाना कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसे 10 रुपए में। और भाई अगर भूख इससे ना मिटे इतने तो मैं और दूंगी, और फिर भी ना मिटे फिर भी दूंगी, और पैक करके भी दूंगी अगर आप कहोगी कि मुझे रात को भी यही कड़ी खानी है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसों से प्यार नहीं है, सेवा से प्यार है, इंसान से प्यार है कि मेरे पास आए कोई निराश होके ना जाए। बस प्याज भी होता है मैम यहाँ पर, अचार भी होता है। आज ये जल्दी में आई है, मैं नहीं थी, मैं लेट आई थी। तो भैया ये 10 रुपए मिल जाता है यहाँ पे खाना? ये तो बहुत ही साफ सुथरा हाइजीन से बना हुआ खाना है। ये मुझे बताओ, मेरे को लगा सिर्फ पेट भरने के लिए, इसमें तो पकौड़े वगैरह सब कुछ डला हुआ है। जी सब कुछ है, देख लीजिए आप। ये देखो भाई 10 रुपए में देखो यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। 10 रुपए में खाना कब से खा रहे हो? करीब एक दो महीना से। आपको कभी सपने में भी सोचा था कि 10 रुपए में ऐसा घर का खाना मिलेगा? नहीं। मुझे बताइए स्वाद कैसा है खाने का? अच्छा, तभी तो आता हूं। ये मैं ही चलाती हूँ, मेरे को हो गए 7 साल। मैं जिसके साथ काम करती थी उनका ही खाने का काम था, लेकिन उनसे फिर थोड़ा सा हम अलग हो गए, उनका थोड़ा सा व्यवहार ऐसे था। तो ये सब जितनी भी लेडीज है सब मेरे साथ वहाँ भी काम करती थी, यहाँ भी। अब यहाँ पर मैं खुद ही अपने पास से पैसा लगा के जो भी है जितना भी है मैं ही करती हूँ। अब हम 5-6 लेडीज, हमारा 10 का ग्रुप है। जो भी आता है बहने, इनको 200 रुपए डे रोज का मिलता है, 200 रुपए दिहाड़ी। कितने काउंटर आंटी आपके? मेरे 5। 5 अलग अलग जगह में मात्र 10 रुपए में खाना खिला रहे हो, भाई मकसद क्या है आपका? मेरे को शौक है समाज के लिए काम करने का। कोई ऐसे खड़े थे तो उनके पास 10 रुपए भी नहीं थे खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे 40 रुपए का खाना था। मैं खा रही थी तो मैंने कहा कि चलो आप इनको भी खिला दो। तब से मैंने सोचा कि भाई मेरे को भी कुछ करना चाहिए इस समाज के लिए। जिनके पास पैसे नहीं है, कोई रिक्शे वाले भैया है, कोई है, वो 40-50 की रोटी नहीं खा सकते होटलों से। मेरी तो उद्देश्य है कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ये काम चलाऊं अगर मेरे पास हो तो। आपकी जगह कोई और होता ना टूट जाता। हाँ मैं अभी टूटी नहीं हूँ, इन लोगों से पूछो, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं काफी। जिनके साथ मैं काम करती थी, मैं खुद ही काउंटर लगाती थी, वो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते थे, समाज के लिए काम करती थी मैं बस। मेरे जो हस्बैंड है वो, उन्होंने सपोर्ट बहुत दी है मुझे, जो मेरे को खर्चा देते हैं, जैसे कि 10,000-15,000 देते घर का, उसी राशन में से मैं वहाँ की कटौती करके मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। जहाँ तक मेरी नजर जाए दिल्ली में, वहाँ तक ये मेरा नाम चले, समाज सेवा समिति के नाम से काउंटर चले। ज्यादातर लेडीज ही आती है कि हमारे लड़के ने खाना नहीं देता है, बहू खाना नहीं देती है, तो मैं पैकिंग करके भी दे देती हूँ कि लो रात का भी खा लेना। और जो हमारा कभी खाना यहाँ बच जाता है तो इन लोगों को पैकिंग कर देती हूँ, या हम लोग कह देते हैं कि किसी को जरूरतमंद को दे देते हैं, ले जाओ। इत्तेफाक है कि हम जब आए थे यहाँ स्टार्टिंग में 10 रुपए का, तो मैंने ये भी नहीं सोचा था मैडम इतना अच्छा खाना 10 रुपए में यहाँ पे मिलता है। मैडम बहुत अच्छा स्वाद है, जो घर में होता है ना स्वाद, बिल्कुल वो ही स्वाद यहाँ पे है मैडम। जो एक बार यहाँ पे खा गया वो एक बार तो यहाँ पे आएगा ही आएगा मैडम, फिर इतना अच्छा खाना बनता है इनका। फिर हम लोग ये बहने सब मदद करती है, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं हम, सबसे सेल होती है, फिर इनके मैं लौटा देती हूँ। ये बहुत सपोर्ट ये भी करती है मेरा। मैं ज्यादा से ज्यादा लेडीजों को रोजगार दूँ। इस तरह की एल्युमिनियम फॉइल रहने वाले खाना जो आपको 30-40 रुपए का मिलता है ना, मात्र 10 रुपए में। और सिर्फ 10 रुपए वाली बात नहीं है, क्वांटिटी अनलिमिटेड है, एक बार लो, दो बार लो, 100 बार लो, खाना आपको भरपेट मिलेगा। तो भाई ये खाना देख लेते हैं, ये देखो इस तरह की यहाँ पे इसमें तड़का मिर्ची डाली हुई है, यहाँ पे स्पॉन्जी वाले पकौड़े डाले हुए हैं। जो दिख रहा है ना टेस्ट, वो एकदम मजेदार लग रहा है भाई। कड़ी तो मेरी फेवरेट है, इसको जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, जो कड़ी हमने घर पे खाते हैं ना उससे लाख गुना बेटर ये कड़ी बनी हुई है। मजेदार इसका टेस्ट है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, मीडियम आपको स्पाइसी मिलेगी, नमक होता है यहाँ पे, आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। मुझे बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट लगा, स्वाद बहुत बढ़िया है भाई। 10 रुपए में ना आज के टाइम पे पानी की बोतल नहीं आती, और यहाँ पे ये खाना खिलाया जाता है, कितना अनलिमिटेड खिलाया जाता है। अगर कोई और आना चाहता है तो एड्रेस क्या और टाइमिंग क्या है? यहाँ पर लग जाता है 10:30 तक ये लोग आ जाती है, शाम को 4 बजे तक रहती है यहाँ पर, किरण गार्डन नवादा, पिलर नंबर 721। मैं यहाँ पे इसको खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो भाई मेरी तरह खाते रहिए।